नमस्ते प्रणाम दोस्तों, हारमोनियम की दुनिया यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार बड़ा ही बेहतरीन वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और दोस्तों आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि हारमोनियम सीखने संबंधी वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचता रहे। इस वीडियो में मैं बड़ा ही एक इंटरेस्टेड टॉपिक बताने वाला हूँ दोस्तों। आप ही लोगों में से किसी का आया था, हमारा कमेंट आया था कि सर आप ये बताइए कि गाना एक सप्तक में किसी भी सुर से शुरू हो सकता है क्या। मतलब आपको मैं बता दूं, उनका कहने का मतलब ये था कि एक गाना आप जैसे हमारा यहाँ से 12 रीड का हमारा एक सप्तक होता है ना, सा से नी तक हमारा एक सप्तक है दोस्तों। तो उनका कहने का मतलब था कि गाना को क्या यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इस बटन से भी निकाल सकते हैं, इस बटन से भी निकाल सकते हैं, इस बटन से भी निकाल सकते हैं क्या। ये कई लोगों के दिमाग में ये चलते रहता है, मेरे दिमाग में खुद पहले चलता था कि किसी का वो देखता था कि ये गाना यहाँ से निकाल रहे हैं, किसी को यहाँ से, तो मेरे भी माइंड में चलता था और आपके भी दिमाग में चल रहा होगा ये सवाल कि क्या ऐसा भी होता है। तो मैं बता दूँ दोस्तों कि बिल्कुल उनका कहना सही था, एक गाना को आप किसी भी बटन से निकाल सकते हैं, एक सप्तक में किसी भी सुर से निकाल सकते हैं। और जिसको कि मैं लाइव बिल्कुल प्रूफ करके मैं बताऊंगा आपके सामने। और ये भी मैं बताऊंगा कि अगर उस गाना को यहाँ से निकालते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, उस गाना को अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा लगेगा, और वो आखिर होता कैसे है, और आप उस चीज़ को कैसे करेंगे, आखिर आप एक गाना को कई जगहों से कैसे निकाल देंगे। तो आइए बिना देर किए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अभी आपने देखा दोस्तों, दिल के है ना, तो अब इसी गाना को अगर हम निकालेंगे यहाँ से, दिल के दिल दिल के दिल दिल के दिल, यहाँ से भी निकल रहा है, इसको यहाँ से भी निकल सकते, दिल के गए यहाँ से भी निकल, अंतर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ से जब निकल रहा है तो इसका जो स्केल अलग है, इसका जो ध्वनि आपको अलग जैसा सुनाई दे रहा होगा। देखिए ये डाउन में है, दिल के अब अगर यहाँ से निकालते हैं, दिल के, तो यहाँ थोड़ा सा स्वर क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। बाकी कहीं से भी किसी भी बटन से निकलता है गाना, वो कब निकलेगा, जब आपका जो प्रैक्टिस अच्छी तरीके से बढ़िया से हो जाएगा, अंगुली बैठ जाएगा, स्वर का ज्ञान हो जाएगा। तो और ये बता दो दोस्तों कि जितना हारमोनियम से गाना निकालना, हारमोनियम सीखना ज़्यादा उतना हार्ड नहीं है, जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, परेशानी नहीं है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखें कि ज़्यादा आसान भी इसको ना समझें, ये नहीं कि आप सोच ले कि नहीं भाई ये तो आसान है, क्या करना है, ऐसे ही मतलब कि हम बजाएंगे तो होगा, नहीं, थोड़ा सा डायरेक्शन पे आप चलेंगे तो ये बिल्कुल ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल इसमें नहीं है। लेकिन सही डायरेक्शन पे आप चलते हैं तो अच्छे तरीके से सरगम का प्रैक्टिस करते हैं सभी रीडों से, तो हर रीड से आप गाना निकालेंगे। आप प्राय करते हैं कि एक ही जगह से निकालते हैं, एक ही जगह से सरगम का प्रैक्टिस यहीं से करते हैं, फिर सोचते हैं कि हम सभी गाने निकाल लें और यहाँ से भी निकालें, यहाँ से भी, औरों की अपेक्षा मतलब तुलना करने लगे, तो ऐसा नहीं। आप प्रैक्टिस पहले कीजिए, एक जगह से पहले आप बढ़िया से निकालिए और सभी जगह से निकलेगा। अब बता दें दोस्तों कि और कोई गाना जैसे हम ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु चले आना, तो यहाँ से मैंने निकाला। अब इसी गाने को यहाँ से हम भी निकाल सकते हैं, कभी कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तो अंतर क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्वर जो है डाउन में है, स्केल डाउन है, आपको लग रहा होगा, देखिए दबाए कभी, अब यहाँ
कभी, अब यहां से भी निकाल सकते हैं, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, कहीं से भी निकाल। अब यहां से आपका दिल कभी कभी राम कभी राम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। देखिए यहाँ से भी निकल रहा है, तो दोस्तों कहीं से भी निकल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बढ़िया से सरगम का प्रैक्टिस करें, सभी बटन से थाट का, और जो है राग अलंकार का भी थोड़ा थोड़ा आपको ज्ञान होना चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। और ख़ास कर देखिए इसमें हारमोनियम एक ऐसा चीज़ है जिसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो एक गाने को कई जगह से निकालेंगे। तो दोस्तों बस आपको इतना दिमाग काम करके आओगे कि होता क्या है कि बस सुर का थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो जाता है, यहाँ से निकालेंगे उसी गाना को तो डाउन में निकलेगा, यहाँ से निकालेंगे तो थोड़ा सा अप हो जाएगा, जैसे जैसे हम ऊपर से निकालेंगे बाकी निकलेगा हर जगह से, वही चीज़ें निकलता है, खाली उसका क्या हो जाता है स्केल ऊपर हो जाता है, स्केल डाउन हो जाता है, बाकी वही चीज़ें निकलेगा। जैसे कभी कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। अब यहाँ से कभी कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। क्या देखे अप हो रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे गाना क्या हो रहा है स्केल क्या हो रहा है अप हो रहा है और गाना वही निकल रहा है। आपको एक बार उंगली बैठ जाएगा दोस्तों तो आप यहाँ से भी निकालेंगे, यहाँ से भी, जहाँ से आप चाहें, क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे कि कोई कलाकार एक ही गाना को गा रहा है यहाँ से, तो हारमोनियम पे जो बैठा होता है वहाँ से उसको निकालता है, जहाँ पे उसका स्वर मैच कर रहा है, सिंगर का स्वर जहाँ पे मैच कर रहा है वहाँ से निकालना पड़ता है। अगर आप गा रहे हैं तो आपका यहाँ से स्वर मैच करेगा तो मैं यहाँ से बजाऊंगा, अगर कोई और गाने वाला आ गया तो हो सकता है उसका स्वर गाने का यहाँ हो तो यहाँ से भी मुझे बजाना पड़ेगा। तो जब ये एक्सपर्ट जब एक हो जाता है हारमोनियम बजाने वाला, चाहे वो बैंजो बजाने वाला हो, कैसियो बजाने वाला, ऑर्गन बजाने वाला, तो वही लोग देखते होंगे ज़्यादातर, बिल्कुल जो एक्सपर्ट उन्हीं को प्रोग्राम में जो है वही बजाते हैं, उन्हीं को वहाँ पे बुलाया जाता है। अगर एक अनाड़ी लोग को वहाँ पे बैठा दिया जाए तो वो बिल्कुल जो है कलाकार कहीं गाएगा तो वो कहीं से बजाएगा। तो सबका अपना अपना स्केल होता है और एक ही गाना रहता है, एक ही गाना को आप गा रहे हैं तो यहाँ स्केल हो यहाँ से निकल सकता है, हम गाएंगे तो हो सकता है यहाँ से निकले, कोई और गाएगा तो हो सकता है यहाँ से निकले, लेकिन क्या है इतना आप ध्यान रखें कि गाना जो है एक गाना, आप इतने जितने बटन आपको दिख रहा है कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, कहीं से भी स्टार्ट होता है, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपका ये जो कन्फ्यूजन उनका था उनके साथ साथ और जितने भी हमारे चैनल पे हैं उनका कन्फ्यूजन ये दूर हो गया होगा। बाकी आप कॉमेंट करके हमें बताएं कि जो मैं बताया हूँ आपको कितना अच्छा लगा, और हमारे चैनल पर आप कब से जुड़े हैं, कितना आप सीख रहे हैं, कितना फ़ायदेमंद आपके लिए हमारे चैनल हो रहा है, इसको भी दोस्तों भी कमेंट करके हमें बताइएगा, ताकि आपके कमेंट का जो है कमेंट आपका जो है हमें मार्गदर्शन देता है कि किस प्रकार का वीडियो हमें जो है बनाना चाहिए। जहाँ पे कमी हमारी होती है वहाँ पे भी आप बताएं, कुछ साउंड में कमी हो, चाहे आपको दिखने में कमी लग रहा हो तो आप ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस कमी को यथाशीघ्र दूर कर दूँ, है ना। और बाकी आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि किसी भी कंडीशन जब भी आप गाना बजाने बैठें तो सबसे पहले आप कम से कम थोड़ा देर राग ये सरगम का प्रैक्टिस करें, और एक रीड से नहीं सभी रीड से करें, आप थाट का भी प्रैक्टिस करें सभी रीड से करें, यहाँ से भी थाट का करें, राग बिल थाट बिलावल थाट कल्याण थाट कमाज यहाँ से सभी जगह से करें, हर जगह से करें, और अलंकार जो होता है ना उसका भी करें, आप परमानेंट करते रहे कम से कम गाना हारमोनियम पर बैठें बजाने सीखने गाना निकालना तो अलग सी बात है, पहले अब इन चीज़ों का प्रैक्टिस करें और तब जाकर बाद में जो गाना निकालना शुरू करें, देखिएगा आपके अंदर जो है एक अलग सा फीलिंग आएगा, अलग सा एक तजुर्बा आ जाएगा। और हारमोनियम बजाने में दोस्तों जल्दी सफल होइए, यही हमारी शुभकामनाएं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक आपका प्यार दुलार हमारे साथ बना रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।